खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पटना के हर चेहरे में आज मायूसी है। पटना का हर चेहरा आज करा रहा है, दर्द में है, डरा हुआ है इस बात को लेकर कि कहीं और मेघा न बरसे। ऊपर से पानी और बरस गया तो नीचे जमा हुआ पानी आखिर निकल भी पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। 5 दिन हो चुके हैं। जी हाँ, प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि 3 दिन, लेकिन कई लोगों से हमने बात की जो ये कह रहे हैं कि 5 दिन से लगातार ये रुका हुआ पानी उनके लिए परेशानी बन गया। आप सोचिए, लोग तैर कर, जी हाँ आप देखिए, लोगों को तैर कर लोग यहाँ किनारे तक पहुंचे क्योंकि वहां जो स्थिति है भयानक है। आप देखिए, पूरा आप भीगे हुए, क्या देखा आपने और तैर कर क्यों आना पड़ गया? इसलिए कि पानी इतनी ज्यादा है और वहाँ खाने के लिए हम लोग के मकान में कुछ भी नहीं है। करीब करीब उस मोहल्ले में करीब करीब है सो 60-70 आदमी हैं और उनके लिए है सो कोई अगर बोट जाता भी है तो एक बोतल पानी देता है, एक बोतल है सो दूध दे देता है। बच्चे हैं, छोटे छोटे बिलख रहे हैं, देखिए आंखों से आंसू हम लोग को आ रहा है। खाने को कुछ नहीं है, पानी में बार बार तैर के आना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं सुन पा रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी हो रहे हैं, इनका क्या हो रहा है, कोई मदद मिल रही है यहाँ? कुछ नहीं, लाइन है नहीं, मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है, बात नहीं हो पा रही है। मेरे भाई से बात कीजिए। मैं समझ सकती हूँ आपका मन भारी हो गया है, तकलीफ हो गई है। जब बार बार मैं यही कह रही हूँ कि घर आदमी जब अपना बनाता है तो बड़े प्रेम से बनाता है, ये सामान ले लिया जाए, ऐसे बना जाए, दीवार में ये पुताई करा दी जाए, लेकिन वो घर तबाह हो जाए, जब पूरा भीग जाए, बर्बाद हो जाए, तो आपकी आंखें बता रही हैं, आपका चेहरा बता रहा है। जी हमारे यहाँ करीब करीब CRP के भी 5-6 परिवार लोग रह रहे हैं, उनके यहाँ से भी कोई हेल्प नहीं हो रहा है। CRP वाले लोगों को भी कोई हेल्प नहीं हो रहा है। ये हमारे भाई लोग हैं, सब हमारे मोहल्ले। आप देखिए, लोगों को पूरी तरह से भीग चुके हैं, कांप रहे हैं क्योंकि यहाँ पिछले कई घंटों से ये लोग भीगे हुए हैं। घर में बच्चे लोग हैं, दूध नहीं है घर में, पानी नहीं, लाइट नहीं है 4 दिन से। आप भी तैर कर आए, पूरे भीगे हुए? बहुत ज्यादा पानी है, हाइट से ज्यादा, घर तो पूरा डूब चुका है। शासन कह रहा है 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे घर में क्या है, ऐसा है कि मेरे घर में एक 90 ईयर ओल्ड मेरे पिताजी हैं जो केवल दूध पीते हैं, लेकिन यहाँ दूध क्या, यहाँ तो पानी भी पीने को नहीं मिल रहा है और पूरे मोहल्ले का यही हाल है। सारे छोटे छोटे बच्चे, अभी 6 महीना का बच्चा रोड पे खड़ा है, उसको लाने के लिए बोट नहीं भेजा जा रहा है। प्लस अभी हमारे घर में 2 परिवार शरण लिए हुए हैं जिसमें कुल हम लोग 9 आदमी हैं, लेकिन मात्र 1 लीटर पानी दिया गया। बताइए कि 1 लीटर पानी में 9 परिवार कैसे मतलब अपना प्यास को बुझाएगा? बहुत ही बुरी भयानक स्थिति। आप देखिए, लोग कांप रहे हैं ठंड में क्योंकि कई घंटों से दूर दूर से वो लोग तैर कर यहाँ आए और यहाँ भी मौसम अभी धूप नहीं निकली है और दिक्कत ये कि जो पानी इकट्ठा है इतना गंदा हो चुका है, इतनी बास इसमें से आ रही है कि पानी लोगों को आप डरा रहा है कि पानी पहले निकल जाए, लोग तो निकल ही रहे हैं। क्या देखा आपने और मैं आपके चेहरे पर वो डर देख, रो रहे हैं भूख के मारे बच्चे लोग, रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? बस हमको यही है कि घर से घर जाकर के पहुंचा दें सामान। बच्चे लोग भूखे से रो रहे हैं, हम लोग तो चलेगा, हम लोग बड़े हैं, हम लोग को चलेगा, लेकिन बच्चे लोग जो छोटे छोटे उनको तो कुछ दें। अब यहाँ पर भी हम लोग अभी आए हैं लेकिन यहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। एक मतलब कुछ अभी तक देख लीजिए, झोला लेके आए लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। बोल रहे हैं कि घर में आपको ले जाकर पहुंचा देंगे, कब पहुंचाएंगे, किस वक्त पहुंचाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। बस खाली बोट लेना हो तो चले आते हैं उठा करके। सर बोट दे दीजिएगा, क्या बोट दे हम लोग, ये स्थिति है यहाँ के लोगों की। अरुण कुमार सिन्हा यहाँ के लोकल विधायक हैं, उनका वो नजर नहीं आए हैं। लोकल विधायक की बात की, पटना से तो 6 केंद्रीय मंत्री आते हैं, मोदी सरकार के 6 केंद्रीय मंत्री पटना से हैं। कहाँ है वो मंत्री, कहाँ है वो सरकार, कहाँ है वो सिस्टम जो बड़ी बड़ी बातें करती है विकास की? आप विकास की बात छोड़िए, आप बुनियादी सुविधा नहीं दे पा रहे, लोगों को जान पर आई है। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग आंखों में आंसू लिए कह रहे हैं कि हमें सामान नहीं चाहिए, हमारे लोगों को बुला लीजिए, हमारे लोगों को बचा लीजिए। एक भयानक स्थिति जो इस वक्त पटना देख रहा है। हमारी कोशिश ये है कि हर उस चेहरे से हम बात करें, हर उस आंख को हम पढ़ें जो पटना के दर्द को करीब से महसूस करके अब राहत पाने की कोशिश कर रहा है। ये तो आज दिन की बात है, लेकिन कल रात भी बहुत भयानक थी। राहत की बात थी कि बारिश नहीं हुई, लेकिन लोगों के घर पानी में डूबे हुए थे, अस्पताल में लोगों ने रात काटी है।